नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे टोयोटा की छोटी इनोवा के बारे में। जिससे कि आपको पता है टोयोटा की मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाईक्रॉस, और उसी के बीच में एक सेगमेंट आया है टोयोटा रूमियन, जो कि टोयोटा की नई लॉन्चिंग है। और दोस्तों आज उसी गाड़ी का रिव्यू वीडियो हम बनाएंगे। दोस्तों बात करते हैं टोयोटा रूमियन जो गाड़ी है वो अलायंस मॉडल है। बात करते हैं सुजुकी की अल्टिका से, तो अल्टिका का अलायंस मॉडल यहाँ पे लॉन्च हुआ है रूमियन के नाम से। तो दोस्तों गाड़ी की प्राइस की अगर बात करते हैं तो 10,29,000 रुपये से एक शोरूम स्टार्ट रहने वाला है टोयोटा रूमियन का। और गाड़ी की फ्रंट से अगर बात करते हैं तो फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्रोम का यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिल जाते हैं, फोग लैंप है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो भी आपको यहाँ पे टोयोटा रूमियन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। टोयोटा की बैजिंग आप देख सकते हैं यूनिक स्टाइल में, आपको क्रोम बैजिंग के साथ टोयोटा की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आपको मैं बता दूँ दोस्तों, जो टोयोटा रूमियन है वो टोयोटा अल्टिका का अलायंस मॉडल है। टोयोटा मारुति सुजुकी अल्टिका जो गाड़ी है वो उसने मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। उसी को साथ लेके चलते हुए टोयोटा रूमियन भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी लॉन्च होने वाली है, काफ़ी अच्छा रिव्यू रहने वाला है टोयोटा रूमियन का। और दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के कंपटीशन में, जो अल्टिका गाड़ी आती है वो भी 7 सीटर आपको देखने को मिलती है, टोयोटा रूमियन है वो भी आपको यहाँ पे 7 सीटर के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों गाड़ी की साइड प्रोफाइल से अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं गाड़ी की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। कंपेयर करते हैं अल्टिका से तो बिल्कुल डायमेंशन सेम रहेंगे। ORVM के ऊपर ही आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डायमंड कट अलॉय व्हील आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील भी यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। जो डायमंड कट अलॉय व्हील है वो यहाँ पे आपको टॉप मॉडल के अंदर 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, और इससे नीचे अगर बेस मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 17 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गाड़ी के रिक्वेस्ट सेंसर से, तो रिक्वेस्ट सेंसर आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की रूफ की अगर बात करते हैं तो रूफ रेल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और FM एंटीने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल रहने वाली है, 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आपको यहाँ पे टोयोटा रूमियन देखने को मिलेगी। अब रियर प्रोफाइल से अगर बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल में यहाँ पे आपको स्पॉइलर जैसा दिख रहा है टोयोटा रूमियन के अंदर, बट इसमें स्पॉइलर इसको नहीं बोल सकते क्योंकि स्पॉइलर इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं रियर डिफोगर भी आपको यहाँ पे टोयोटा रूमियन के अंदर देखने को मिल जाएगा, रियर वाइपर भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आप देखेंगे टोयोटा बैजिंग के साथ आपको यहाँ पे क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और हेडलैम्प टेल गेट की अगर बात करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे यूनिक स्टाइल पे यहाँ पे आपको टेल गेट देखने को मिलेगा, जो काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़े आपको टेल गेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यह जो टेक्नोलॉजी है वो नियो ड्राइव टेक्नोलॉजी रहने वाली दोस्तों, इसमें हाइब्रिड का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और आपको मिलता है रियर पार्किंग सेंसर, जो कि आप देख सकते हैं 4 रियर पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँ रिफ्लेक्टर लाइट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो था गाड़ी की रियर प्रोफाइल से, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको गाड़ी के अंदर से आपको क्या ऐसे फीचर मिलते हैं जो आपको टोयोटा रूमियन ही लेनी चाहिए, अगर कंपेयर करते हैं मारुति सुजुकी अल्टिका से। गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, टोयोटा रूमियन की कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, बिल्कुल छोटी सी की है, बिल्कुल आप इसको इजी कैरी कर सकते हैं। और चलते हैं गाड़ी के अंदर तो देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर का यूज करके हम गाड़ी को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो मैंने जैसे गाड़ी को अनलॉक कर दिया है, और गाड़ी के अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं जो गाड़ी की जो विंडो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो रहने वाली है दोस्तों, और क्रोम डोर हैंडल के साथ आप देख सकते हैं पावर विंडो रहेगी, और डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। ORVM जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक आप देख सकते हैं यूनिक स्टाइल का यहाँ पे डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि टोयोटा रूमियन के अंदर ही देखने को मिलेगा, रूमियन के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। जो वुडन आप देख सकते हैं, एक यूनिक स्टाइल का वुडन आपको यूज़ किया हुआ है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग के ऊपर आप देख सकते हैं लेदर रैप का यहाँ पे वुडन फिनिशिंग के साथ आपको लेदर रैप भी देखने को मिलेगा, और MID के कंट्रोल भी आपको यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे भी आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। गाड़ी का ट्रांसमिशन जो है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ टोयोटा रूमियन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें यहाँ पे आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, और साथ ही आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एक काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे टोयोटा ने दिया, जो कि प्रीमियम गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, बट टोयोटा रूमियन के अंदर भी आपको यहाँ पे
पेडल शिफ्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आइडल स्टॉप स्टार्ट है वो भी आप देख सकते हैं, आइडल स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो हेडलैम्प है उसको आप एडजस्ट करने के लिए भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है। इस इंटीरियर को आप जैसे क्रीम कलर है, क्रीम कलर बोल सकते हैं, काफी एक दिल को छूने वाला इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और IRVM की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको IRVM जो एडजस्टेबल मैनुअल रहेगा, हेडिंग लैंप का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं 7 इंच का यहाँ पे स्क्रीन टच म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। AC जो है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और AC ऑन ऑफ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एक जो यूनिक चीज इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कप होल्डर के अंदर AC वेंट का यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर कोई भी कोल्ड ड्रिंक या वाटर रखते हैं तो आपका जो मेंटेन टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपके वाटर या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखेगा। और AC वेंट भी आप देख सकते हैं, एक यूनिक स्टाइल के अंदर AC वेंट यहाँ पे दिया हुआ है। म्यूजिक सिस्टम के साथ आप देख सकते हैं, स्पीकर के साथ आपको ट्विटर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और सीट का जो कलर है वो मैं आपको दिखा दूं, ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट आपको देखने को मिलेगी। स्पेस की अगर बात करते हैं तो स्पेस भी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे टोयोटा रूमियन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं काफी अच्छे रिव्यू के साथ टोयोटा ने रूमियन को लॉन्च किया है। और अब बात आती है अल्टिका की, तो आपको अल्टिका से रूमियन ही क्यों परचेज करनी चाहिए, उसके कई चीजें हैं दोस्तों। जैसे कि अल्टिका की जो वारंटी आपको देखने को मिलती है वो 2 साल 40,000 किलोमीटर की मिलती है, और वहीं अगर रूमियन की बात करते हैं तो वहां आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर के साथ आपको वारंटी देखने को मिलती है। तो कई प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आपको टोयोटा रूमियन ही परचेज करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के रियर सीट पे। रियर सीट पे जाने से पहले मैं बता दूं, जो गाड़ी है वो यहाँ पे आपको 7 सीटर गाड़ी देखने को मिलेगी, इसमें 5 सीटर का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। और देख सकते हैं जो रियर सीट है वो भी ज्यादा कंफर्टेबल आपको दिखा दी, ठीक है। रियर सीट के अंदर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लेगरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि टोयोटा की इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के अंदर इतना स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेडरूम की अगर बात करते हैं तो हेडरूम भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा हेडरूम आपको देखने को मिलेगा। और रियर AC वेंट जो है वो आप देख सकते हैं बीच में, आपको जो इनोवा क्रिस्टा की तरह आपको इसके अंदर AC वेंट का यूज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आईक्रॉस के अंदर आपने देखा होगा कि साइड में AC वेंट है, बट रूमियन के अंदर आपको AC वेंट जो है बीच में देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे रियर सीट के ऊपर आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, चारों पावर विंडो है दोस्तों, क्रोम हैंडल भी आपको यहाँ पे डोर का मिल जाएगा, बोतल के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट कैरी करना है उसके लिए भी आपको स्पेस मिल जाएगा। ज्यादा कुछ इतना फंक्शन टोयोटा रूमियन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे रियर सीट पे, बट कंफर्ट के हिसाब से काफी अच्छा रिव्यू है रियर सीट का। अब चलते हैं थर्ड सीट पे जाने के लिए भी एक अच्छे यूनिक स्टाइल के लिए, आप देख सकते हैं टोयोटा रूमियन के अंदर एक अच्छा यूनिक स्टाइल आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रियर सीट पे जाने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, इस बटन को आपको हुक को ऐसे करना है और इजिली आप इसको थर्ड रो की तरफ आप इसमें जाके बैठ सकते हैं। तो थर्ड रो भी आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी, रूमियन के अंदर काफी अच्छा लेगरूम आपको देखने को मिलता है, काफी अच्छा हेडरूम आपको देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर आप देख सकते हैं 7 पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे हर पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि सेफ्टी के रिगार्डिंग टोयोटा रूमियन के अंदर आपको यहाँ पे 6 एयरबैग मिलते हैं, तो आपको 7 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट भी यहाँ पे आपको मैंडेटरी कर दी गई है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ ऐसी ही नई गाड़ियों की वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।